किसी तीर के हाथ पर बैत करने से क्या फायदा हासिल होता है? कोई फायदा नहीं मिलेगा, मत कीजिए। क्योंकि आजकल तो तीर के हाथ पर बैत इसलिए की जाती है कि दुकान खूब चमकने लग जाए। एक फैक्ट्री है तो पीर साहब के हाथ में हाथ दिया जाए तो दो फैक्ट्री बन जाएंगी। दीन के लिए कौन बैत करता? एक पीर साहब आए जिनसे हमारी मुलाकात हुई, उन्होंने बड़ी प्यारी बात कही। वो इत्तेफाक से जा रहे, उसी रात हम मिलने गए तो एक आदमी ने उनसे आन करके कहा, पीर साहब सलाम किया, दस्तबोसी करने के बाद कहा, हुजूर दुआ कीजिए अल्लाह ताला ईमान पर सलामती और ईमान पर खात्मा अता फरमाए। पीर साहब ने कहा, भाई पूरे पाकिस्तान के विजिट में तुम ही मिले हो जिसने कहा कि इस्लाम पर इस्तेकामत अता फरमाए, ईमान पर मौत, वरना जितने मिले, औलाद चाहिए, बेटी चाहिए, दुकान में नुकसान हो गया, इनमें नुकसान हो गया, माल में नुकसान हो गया, मील तबाह हो गया, घर बर्बाद हो गया, फ्लैट नहीं बिक रहा, बंगला नहीं बिक रहा, बंगला नहीं मिल रहा, कार में, अभी तक तो लोग यही कहते चले आ। अगर इस तरह आप कोई पीर बनाए तो आपको कोई फायदा नहीं, बिल्कुल मत पीर बनाइए। हाँ, पीर अगर बनाए कि उससे दीन की बात पूछी जाए, नमाज के मसाइल पूछे जाएं, आखिरत को संवारने के लिए उससे सवालात किए जाएं, आखिरत को संवारने के सारे मामला दरियाफ्त किए जाएं, तो पीर असल में इसलिए होता है, इसलिए बनाना जरूरी है कि कोई ना कोई रहनुमा तो चाहिए ना। अब उस रहनुमा का नाम अगर पीर रख दिया जाए तो क्या हरज है साहब? यह है वो पीरी मुरीदी के फवायद। और दूसरा फायदा यह है कि किसी के हाथ पर हाथ देने से क्या होता है कि मसलन आपने ये कह दिया, अच्छा जी मैं झूठ नहीं बोलूंगा, नमाज पढ़ूंगा, रोजा रखूंगा, ज़कात दूंगा, तिलावत करूंगा, वमा अलैना इल्लल बलाग, चल दिए। पीर हाथ में हाथ लेकर कहे, अब तुम वादा करो कि नमाज पढ़ोगे, वादा करो कि तुम ज़कात दोगे, वादा करो कि पंच वक्त का नमाज क्या जो है, समझ रहा? तो ऐसा से जिम्मेदारी बढ़ना और एक पीर का हो जाना और उसके कहे पर अमल करना, ये अपनी आखिरत, दुनिया और आखिरत दोनों को संवारने और बनाने के लिए पीर जरूरत है। समझ गए आप?